हर शख्स के अपने किस्से कहानियां होते हैं, फिर भी कुछ कहानियां अनकही रह जाती हैं। और ऐसी ही कहानियों से रूबरू कराता है हमारा शो शख्स से शख्सियत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सचदेवा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस शो में हम आपको कुछ ऐसी हस्तियों के जीवन से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने दम पर सफलता के नए मुकाम हासिल किए। और आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो एक सफल फिल्मकार के साथ साथ एक बुक ऑथर और योगाचार्य भी है। 90s के बच्चे उन्हें डॉक्टर जगाल के नाम से जानते हैं और इन्होंने हैदर और एजेंट विनोद जैसी टॉप फिल्मों के साथ साथ एक वेब सीरीज स्कैम 1992 में भी सफल अभिनय किया है। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की शख्सियत ललित परिमू जी से। डैडी, ये स्नोमैन है? नहीं, तेरा शौहर। नाक ठीक है ना तेरे शौहर की? यह थोड़ी काट दू। अरे ये क्या छिपा रखा पीछे? सरप्राइज। हाले खुदायो, ये कब पूरा कर दिया तूने इसे? हैं सन गोबुल, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शख्स से शख्सियत तक के इस मंच पर। और हम लोग गौरवान्वित हो गए आपको इस मंच पर पाकर, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप हमारे पहले गेस्ट हैं शख्स से शख्सियत तक के। तो मैं ज़्यादा समय और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि मैं आपसे पहले भी मिली और एक बार फिर आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें ही नहीं आजकल की यंग जनरेशन को और बहुत से लोगों को। सो शुड वी स्टार्ट नाउ? सर्टेनली सर्टेनली, यस यस। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि कश्मीर में आपका जन्म कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में ही, श्रीनगर शहर। ओके। और मेरी शुरुआती एजुकेशन यानी प्राइमरी क्लास एंड सेकेंडरी क्लास की एजुकेशन वहीं कश्मीर में हुई है। टिल 12th आई लिव्ड देयर, यानी मैंने जीवन के 17 साल वहीं बिताए हैं। वाओ। तो जो बचपन है वो वहीं कश्मीर की वादियों में बीता है। फूलों की वादियों में आपका? हाँ हाँ। बहुत ही खूबसूरत रहा होगा आपका बचपन। हाँ हाँ, नो डाउट। बाकी वहां से निकलने के बाद जैसे ही बड़े शहर देखे तो ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि कश्मीर वाकई कितना खूबसूरत है। यहाँ दिल्ली और बॉम्बे में लोग छोटे से ग्रीन लैंड को देखकर खुश हो जाते हैं, हमारे पास तो उतना पैच ऑफ लैंड अपने घर पे ही था। और जो एरियाज हैं कश्मीर के श्रीनगर से थोड़ा सा दूर हटके, वो बहुत सुंदर हैं और वाकई नैसर्गिक खूबसूरती कश्मीर की लाजवाब है, नो डाउट। कोई शक नहीं है इसमें, कश्मीर वाकई में एक सपनों की नगरी है। मेरा भी जब भी जाना हुआ तो लगता है कि यहीं पर ही रुक जाओ। या तो मेरा आपसे अगला सवाल है, कश्मीर से आपका दिल्ली कब आना हुआ? बस यही 12th करने के बाद। अच्छा। 10th तक तो मेरे अंदर भी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं एक्टर बनूं और थिएटर या फिल्म की दुनिया में जाऊं। मेरी जो दुनिया थी टिल माय क्लास 10th, अच्छा, इट वाज लिमिटेड अराउंड माय स्टडीज एंड क्रिकेट। अच्छा। और थोड़ा सा कल्चरल एक्टिविटीज स्कूल में। अच्छा। बट मैं बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट्स में था, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, फर्स्ट 4 में ही आता था, और क्रिकेट एक शौक रहा है शायद उस फेज में, या अभी भी सभी लोगों का, बहुत लोगों का, बहुत यंगस्टर्स का शौक क्रिकेट रहा है। बिल्कुल। बट 10th के बाद एक ऐसी फ्रीडम मिली, साइकिल मिली। बिल्कुल। साइकिल बड़ी फ्रीडम थी, तो साइकिल में हम स्कूल जाते थे, स्कूल काफी दूर था मेरे घर से। अच्छा। और हम चूंकि 11th में आ गए थे तो थोड़ी सी एक अलग तरह की सीनियोरिटी हम स्कूल में फील करते थे। तो उसी के रहते
कुछ साथियों के साथ फिल्म देखना शुरू हुआ, फिल्में देखना शुरू हुआ, वरना उससे पहले मैंने ज्यादा फिल्में देखी नहीं थी। और घर का माहौल भी बहुत मध्यम वर्गीय धार्मिक परिवार, जहाँ हमको साल में शिवरात्रि के अवसर पर मम्मी पापा कुछ पैसे देते थे फिल्म देखने के लिए, वो भी किस तरह की, संपूर्ण रामायण, भक्त प्रहलाद, इस तरह की फिल्में भी लगती थी तब, कश्मीर में भी लगती थी, बनती भी थी। तो मैंने हॉल में इस तरह की फिल्में देखी हैं। जी तो हालांकि ये बात मैं कर रहा हूँ 80 की, 78, 79, 80 की। जी और 81 से मैं, जैसे ही ये साइकिल की फ्रीडम मिली, तो ब्रॉडवे थिएटर, एक थिएटर है वहां पे बड़ा मशहूर है, वहां पे हम फिल्म देखने जाया करते थे फ्री टाइम में। क्लास बंक करके भी जाते थे, क्योंकि जी बहुत सी क्लासेस बोरिंग होती थी। तो फिल्में देखते देखते उन सब हीरोज और एक्टर्स के बारे में जानना शुरू हुआ, जिनके बारे में सभी लोग बात करते थे। मिस्टर अमिताभ बच्चन तब बड़े पॉपुलर थे, और जी उनकी उनका एक अलग ही औरा था। स्थान था। हाँ, ऑरा भी था। तो जी उनकी फिल्में देख देख के मुझे भी लगने लगा कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। वाओ इतना ही था ऐसा, यहां से दिस वॉज द सीड ऑफ डिजायर, सीड ऑफ थॉट, बिल्कुल कि ये ऐसा कुछ कमाल तो कर नहीं रहे, ये मैं तो कर सकता हूँ, ये ऐसा क्या डिफिकल्ट काम है। वाई पीपल आर हिज सो बिग फैंस एंड ऑल, वाई इज ही टॉक्ड अबाउट सो मच, बट दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट, आई कैन ऑल्सो डू इट। एट द सेम टाइम जो करियर का चुनाव मेरे सब साथी कर रहे थे और हमें भी करना था, तो कश्मीर में मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, यही दो रास्ते सबके लिए थे। तो मुझे बिल्कुल जाने क्यों, अंदर से ही इन दोनों के प्रति कोई रुझान नहीं था। ना तो मेरी इंजीनियरिंग में जाने की इच्छा थी, ना मेडिकल वर्ल्ड में जाने की इच्छा थी। और ये सवाल अंदर परेशान करता था कि करियर किस दिशा में जाए। तो 11th 12th में इन्हीं फिल्मों के असर से मेरे मन में ये भाव आया कि मुझे एक्टर बनना चाहिए। और मैंने कश्मीर में थोड़ा बहुत थिएटर किया और स्कूल की कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट लेना शुरू किया, जी और जी उसमें भी मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली। स्कूल के टीचर्स कहते थे अरे तुम्हें तो बॉम्बे जाना चाहिए। जी तो खैर मैं पहले बॉम्बे तो नहीं आया, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा ही आदमी था। तो सोच विचार के मैंने अपना प्लान बनाया, कि तब तक मैं कुछ मैगजीन्स भी पढ़ता था और फिल्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी, एक जी किताब भी मंगाई थी मैंने फिल्मों में प्रवेश कैसे, तो उसमें जो जो बातें लिखी थी कि किस तरह से एक नए एस्पायरेंट को आना चाहिए, उसमें थिएटर का जिक्र सब जगह था कि पहले थिएटर कर लेना चाहिए। बिल्कुल तो थिएटर कहाँ करें, अब बॉम्बे करें या दिल्ली करें या कश्मीर में ही करें, ये भी जी सवाल था। तो कश्मीर में जब मैंने एक्सप्लोर किया, तो हिंदी थिएटर वहां बहुत कम होता था, ज्यादातर लोग कश्मीरी भाषा में थिएटर किया करते थे, और मेरी कश्मीरी भाषा पे कमांड ठीक था नहीं, तो मुझे हिंदी थिएटर ही करना था। तो उसके लिए दिल्ली उपयुक्त स्थान लगा, कि वहाँ थिएटर काफी अच्छा होता है। तो ये तय किया कि +2 के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा और साथ साथ थिएटर करूंगा, और वही मैंने किया भी। ओके वाह क्या बात है, सुन के मजा आ गया। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि वो टाइम कुछ ऐसा था कि सारे पेरेंट्स को लगता था कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बने बच्चा, तो अलग एक स्ट्रीम लाइन पकड़ना वाकई में मायने रखता है उस टाइम पर। सो कॉलेज टाइम में आपने पॉलिटिकल साइंस को अपने कैरियर के रूप में चुना था, इसका क्या रीजन था? नहीं, वो तो एक्सीडेंटल है, क्योंकि मुझे करना थिएटर था, और मैं एक तरह से घर वालों को ये बताना चाह रहा था कि मैं पढ़ाई करूंगा और पढ़ रहा हूँ। तो मैं ऐसा ही कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहता था, तो अच्छा एडमिशन फटाफट यहाँ हो गई, पॉलिटिकल जी साइंस ऑनर्स में, जी क्योंकि एम मेरा थिएटर करना था। और मैं कॉलेज में भी ड्रामेटिक सोसाइटी के लोगों को ही ढूंढ रहा था, और वो मुझे महीने भर में ही मिल गए। वहां पे जी नाटक करने वालों की एक टीम थी, तो मेरी क्लासेस सुबह 9 बजे शुरू होती और 12 बजे खत्म हो जाती थी। तो 12:30 के आसपास से हम, मैं थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गया, और विद इन 2-3 मंथ्स ही मैंने एक प्ले में काम किया, कॉलेज के ही एक प्ले में, जो जी वहाँ यूनिवर्सिटी के लेवल पे अलग अलग फेस्टिवल्स में जिसमें पार्टिसिपेट किया गया था, और अच्छा अप्रिसिएशन मिला। तो वहाँ कॉलेज के ही ड्रामेटिक सोसाइटी के जो सीनियर्स थे, तो उन्हीं से बातचीत करते करते मुझे ये गाइडेंस मिली कि दिल्ली में मंडी हाउस में आर्ट एंड कल्चर का सेंटर है, तो वहाँ बहुत प्रोफेशनल लेवल पे थिएटर होता है, करो तुम तो सीरियसली करना चाहते हो। तो उनके थ्रू मैं वहाँ प्रोफेशनल लोगों से मिला,
तो फिर वहां भी थिएटर करना शुरू किया, प्लेस करना शुरू किया। तो करीब 4 साल मैंने सिर्फ थिएटर किया, 82 से 86 87 तक, 4-5 साल। तो इस ओके बीच 20-25 नाटक में एक्टर के रूप में काम किया, और चूंकि मुझे थोड़ा डायरेक्शन का भी शौक था तो मैंने कुछ प्लेस भी डायरेक्ट किए कॉलेज के लेवल पे और जी अमेचर थिएटर के लेवल पे। तो ऐसे मैंने अपनी एक बुनियादी ट्रेनिंग हासिल की। जी इस दौरान इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहता हूँ, चूंकि मैं आया फिल्म से प्रभावित होके, थिएटर जी का तो पता नहीं था, थिएटर की जो बारीकियां होती हैं, थिएटर में जो सिखाया जाता है जी इसका तो अंदाजा नहीं था। जी लेकिन जब घुसा थिएटर में और स्टडी करना शुरू किया, एक तो आनंद आया, मजा आया, एक अलग दुनिया, और जी साथ में चूंकि वहां माहौल बड़ा ही गंभीर था, सब लोग वहां नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोग थे, श्रीराम सेंटर के रिपेटरी के एक्टर्स थे, लिटिल थिएटर ग्रुप थे, उसके अलावा ढेरों थिएटर ग्रुप्स थे इंग्लिश और हिंदी के जो वहां पे रिहर्सल्स करते और फिर परफॉर्मेंस करते थे। वो पूरा एक सेंटर ही था, और जी लाइब्रेरीज भी थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की लाइब्रेरी थी, रविंद्र भवन की लाइब्रेरी थी, जहाँ विश्व भर के नाटकों का अध्ययन करने को मिला और नाटक के कितने स्कूल्स हैं इसका स्टडी करने को मिला। तो सबसे पहला झटका जो लगा वो करीब 19-20 साल की उम्र में लगा कि इट इज अ ह्यूज वर्ल्ड। बीच यस में तो वेरी डिप्रेशन भी आ गया, गॉड ये डिप्रेशन आया कि मैं जो सोचा था कि मैं जल्दी जल्दी बॉम्बे जाके बहुत बड़ा हीरो बन जाऊंगा 2-4 साल में, वो तो होता हुआ दिखता नहीं है, यहाँ तो सीखना बहुत पड़ रहा है। और दूसरी बिल्कुल बात, जब आप मैदान में उतरते हैं सपनों की दुनिया में, तो आप सोचते हैं कि आप किसी बड़े भी बड़े बड़े एक्टर से कम नहीं है, लेकिन जब आप करने जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आपके अंदर कितनी खामियां हैं, और वो सिवाय अभ्यास के, सिवाय ट्रेनिंग के, वो दूर नहीं हो सकती है। जी तो पहले तो परेशान हुआ, उसके बाद मैंने अपना मकसद बना लिया कि मैं जीवन भर इसी फील्ड में रहूंगा और अपने आप को ट्रेन करता रहूंगा, और जो जो सीखना है, जितना जितना सीखना है, जब तक मैं बहुत सीखने के मामले में कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता हूं, तब तक मैं पैसे कमाने वाला एक्टर भी नहीं बन सकता, ये भी मन में बात आ गई थी। तो वही मैंने किया, जी थिएटर की ट्रेनिंग मेरी एक बहुत ही मजबूत ट्रेनिंग रही, और वो बहुत अच्छे दिन थे, क्योंकि वो दिन ऐसे थे सुबह से शाम आप नाटक की दुनिया में ही हैं, ना वाह आपको खाने की परवाह है, ना आपको कहाँ रह रहे हैं इसकी परवाह है। 3 महीने का जो नाटक होता उसमें आप सुबह शाम अपने को एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ, उस प्ले की सारी बारीकियों को समझते, उस प्ले से जुड़ी हुई तमाम लिटरेचर का स्टडी करते, मतलब धीरे धीरे मेरे सामने सारी चीजें खुल रही थी, ग्रीक ड्रामा, संस्कृत ड्रामा, पारसी थिएटर, शेक्सपियरियन थिएटर, मॉडर्न थिएटर, हिंदी मॉडर्न थिएटर, नुक्कड़ नाटक, ब्रेख्तियन प्लेज, रशियन प्लेज, आई मीन इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड। थिएटर की दुनिया भी अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है, जी जी और पूरा जन्म भी कम पड़ता है अगर इसको, इसके सारे आयाम सीखने में लग जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। दिल में जज्बा होना चाहिए, आदमी कुछ भी पा सकता है। तो आपने अपना जो सिनेमा कैरियर की शुरुआत करी वो टीवी शो पुलिस फाइल से की, तो ये रोल आपको कैसे ऑफर हुआ? ये दिल्ली में ही 1984 में प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के द्वारा कुछ शोज बनाना शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत हम लोग से हुई, अगर आपको याद हो, 84-85 में या 86, हाँ उसी वक्त हम जी लोग नाम का सीरियल शुरू हुआ था। जी तो उस वक्त भी दूसरे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ने स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के दूरदर्शन के टीवी शोज बनाना शुरू किया। जी तो हम लोग भी जो एक्टर्स मंडी हाउस में काम कर रहे थे, फ्रीलांसर्स थे, जगह जगह जाके ऑडिशन देते थे, यही एक तरीका था रोल पाने का। जी तो यहाँ का भी हमें पता चला, जब ये मिस्टर अशोक तलवार हैं एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो वहां जी गए, ऑडिशन दिया, और 2 महीने अच्छा बाद उनकी तरफ से लेटर आया कि जी हमने आपको सिलेक्ट किया है इस रोल के लिए, आप आइए ऑफिस में मिलिए। तो जी बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ। और आपने 1992 में फिल्म कैरियर बनाने के लिए आप मुंबई में आए, और एक साल के अंदर ही आपको रोल्स ऑफर होने लग गए थे। तो वहां पहुंचने का और काम मिलने के बीच का जो आपका सफर रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बॉम्बे तो जाना ही था, मैं तो कश्मीर से निकला बॉम्बे के लिए ही था, जी पर दिल्ली में 10 साल बिताए मैंने, और वो अच्छा ही था, 10 साल बिताए मजबूती से। मेरी यहाँ पे पहले थिएटर की ट्रेनिंग हुई, फिर जो अर्ली टेलीविजन है उसमें भी मैंने दिल्ली में रहते हुए भी काफी काम किया। जी जी बिफोर आई शिफ्टेड टू बॉम्बे आई मस्ट हैव डन सम 20 ऑड टीवी शोज,
तब 13-13 एपिसोड के ही टीवी शोज होते थे, जी, और 88, 89, 90, 91, 92 ये 4-5 साल में बहुत एक्टिव एक्टर रहा दिल्ली का, और वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टर रहा। उसमें मेरे वेल नोन सीरियल्स में मैला आंचल, हिमालय दर्शन, स्पेस सिटी सिग्मा, हजार घोड़ों का सवार, इंसानी रिश्तों का सफर, फिर दर्जनों टेलीफिल्म्स थी, अभी नहीं, मोहताज, हाँ, इस तरह की वहां टेलीफिल्म्स प्राइवेट प्रोड्यूसर ही बनाते थे, जी, तो काम में कर रहा था। और 92 में वक्त ने ऐसा परिस्थिति बनाई कि मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होना ही था, बट बहुत सारी फैमिली नीड्स भी थी, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स भी थी जिनको पूरा करते करते जी वहां जब मैं पहुंचा तो लकीली वहां पे बॉम्बे में सैटेलाइट टेलीविजन का दौर शुरू हो गया था जी। आपको अगर याद हो जी टेलीविजन 1992 में ही शुरू हुआ था, बिल्कुल, फिर उसके साथ साथ सोनी टीवी, फिर स्टार टीवी, फिर इस तरह से दर्जनों 20-25 चैनल्स खुलने शुरू हो गए थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो बॉम्बे आने के बाद मेरे साथ ये प्लस पॉइंट ये हुआ था कि यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे वो मेरे काम से वाकिफ थे, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए जो मैंने टेलीविजन में काम किया था वो जब मैं उनसे मिलता था उनके ऑफिसेज में तो वो पहचान जाते थे और बहुत प्यार से मिलते थे और अपने बारे में, अपने काम के बारे में बताते थे कि देखो अभी तो काम नहीं है, 6 महीने बाद है। सो आई वॉज, आई डिडंट हैव टू स्ट्रगल मच बिकॉज पीपल वर अवेयर ऑफ माई वर्क। ये अच्छी बात है कि टीवी सब देखते थे तब, तो टीवी की वजह से सब लोग मुझे पहचान रहे थे। और 92-93 से ही मैंने वहां पे काम करना शुरू किया जी। और फिर वहां पे सिलसिला 52 एपिसोड का सीरियल्स का था शुरू में, बिल्कुल, बाद बिल्कुल। में तो फिर डेली सोप आया 2000 के बाद, वेरी ट्रू। तो पहले ढेर सारे 52 एपिसोड वाले शो किए, कुछ फिल्में भी की जी। तो इस तरह से सफर चलता रहा, काम चलता रहा। आपके परिवार का क्या रिएक्शन रहा जब उन्हें पता चला कि आप ये फिल्म कैरियर बनाना चाहते हैं अपना? तो एक रीजन किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट का नहीं था, उसकी वजह ये थी कि मेरे घर वाले कश्मीर में थे और तब मैं दिल्ली में था जी। मैं जब दिल्ली में थिएटर करता था, और लकीली बोलो या अच्छी बात ये रही कि मैं जो भी काम करता उसका अखबार में कहीं जिक्र होता रहता था, तो मैं अखबार की वो कटिंग्स अपने पास रखता था जी। फिर जी। कॉलेज में जो भी मैं प्लेस करता मुझे अक्सर बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोडक्शन वाला अवार्ड मिलता रहता था, कप्स मिलते रहते थे। तो हर साल जब मैं घर जाता छुट्टियों में तो मैं अपने पेरेंट्स को दिखाता था और इस तरह की चीजें उनके सामने रखता था। फिर थिएटर जो मैंने 5 साल किया उसमें करीब 1.5 साल मैं एक रिपर्टरी ग्रुप में सैलरीड एक्टर के रूप में काम किया, तो ये बात थी तब मैं 22-23 साल का था जी। और उसका एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट था और एक सब मेंशन था कि आपको महीने के इतने पैसे मिलेंगे एंड ऑल दैट, हर शो का इतना पैसा मिलेगा, आउटडोर टूर का इतना पैसा मिलेगा। तो वो जब मिला और घर वालों को मैंने दिखाया तो दे वर सैटिस्फाइड कि हाँ भाई ये तो नौकरी कर रहा है, सो फॉर देम इट वाज लाइक अ जॉब, एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, बट बेशक एक्टिंग का काम है तो दैट्स ओके। फिर यही सीरियल जब आया पुलिस फाइल से 1986 में आया था जी, जी। तो घर वालों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जब उनके मोहल्ले वालों ने मेरे काम की तारीफ की, हाँ जो रिलेटिव्स भी हैं सब तारीफ कर रहे हैं कि आपके बेटे को देखा, फिर उसके बाद सीरियल्स आने लगातार शुरू हुए। या तो आपने जैसे बहुत से पॉपुलर टीवी शोज आपने और बहुत सी फिल्म्स में काम किया, लेकिन जो वो शक्तिमान का डॉक्टर जकाल वाला रोल था वो 90s से लेकर अभी तक सभी के दिमाग में है, डॉक्टर जकाल, वाओ। तो ये रोल कैसे आपको ऑफर हुआ? देखिए रोल्स तो जब एक बार आप काम शुरू करते हैं, जैसे बॉम्बे में भी मेरा काम करना शुरू हुआ, तो एक से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा काम, ऐसा अपने आप ही होता है, कहीं ना कहीं वो कॉन्टेक्ट बनते जाते हैं। और 1994 के आसपास से मेरा एक सेक्रेटरी भी था, मैंने अपना एक सेक्रेटरी रखा था, तो वो हर प्रोड्यूसर से मिलके मेरी बात कहता और वहां पे एक तरह से पिचिंग वाला जो काम है वो करता रहता था जी। इसके अलावा भी जो एक रीजन बड़ा है शक्तिमान में काम करने का, वो है कि मिस्टर मुकेश खन्ना मेरे साथ एक सीरियल में काम कर रहे थे, हम दोनों एक सीरियल कर रहे थे विराट नाम का, दूरदर्शन का ही एक सीरियल था, तो हम दोनों उसमें एक्ट कर रहे थे, उसमें वो प्रोड्यूसर नहीं थे। अच्छा। तो हम दोनों के बहुत सीन्स होते थे तो उन्हें मेरे साथ काम करते हुए अच्छा लगा,
मेरा काम देख के और सारी जी चीजें देख के अच्छा लगा। तब उन्होंने जिक्र किया था कि मैं एक सीरियल बना रहा हूँ, तो मैं अच्छा तुम्हें याद करूंगा जरूर। जी तो जी उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं याद किया, तो सेक्रेटरी के थ्रू बात गई और फिर अच्छा मीटिंग हुई। फिर वो रोल डॉक्टर जयकौल का दिया वाह गया। दिनकर जानी साहब डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जी थे उसके, जी तो उन तक भी मुकेश खन्ना की भी बात थी। और मेरा बैकग्राउंड थिएटर का है, ये उनको पसंद था, वो चाहते थे कि थिएटर वाले लोग करें। चूंकि यहाँ शक्तिमान में परफॉर्मेंस भी थोड़ी लार्जर देन लाइफ वाली परफॉर्मेंस बिल्कुल थी, बिल्कुल हाँ, मानना तो वो चाह पड़ेगा रहे थे बिल्कुल कि थोड़ा ओवर ड्रामा टाइप करें। इससे जुड़ा हुआ एक मजेदार किस्सा ये है कि इस रोल के लिए मुझे शुरू में सिर्फ 2 एपिसोड की बात हुई थी, अच्छा ओनली 2 एपिसोड्स। या चूंकि उसके विलन जो थे, अगर आप याद करें शक्तिमान जी में शुरू में जो विलन आते थे, वो 2 एपिसोड या 4 एपिसोड के लिए होते थे। तो बिल्कुल ये भी 2 या 4 के लिए ही प्लान किया गया था। लेकिन पहला एपिसोड ही डॉक्टर जयकौल का इतना अच्छा रिसीव हुआ, वो पॉपुलर हो गया था कैरेक्टर पॉपुलर हो गया एकदम, हाँ। और बिल्कुल वो रातों रात ही, एक तो इंडस्ट्री के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने और जनता ने भी, तो टीआरपी भी उसकी बहुत एकदम अच्छी बढ़ बढ़िया गई थी सेकेंड बिल्कुल एपिसोड और थर्ड यस एपिसोड से। तो फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ये डिसाइड किया कि इसको हम एक रेगुलर लेवल पे रखते हैं और हर 4, 6, 8 एपिसोड के बाद इसको रिपीट करते हैं विद 4 एपिसोड्स। तो वो बिल्कुल चलता रहा और अच्छा ही लगा, लोगों के मन में एक अच्छी छाप बैठ गई। वाह अभी तक याद है डॉक्टर जकाल का हाँ, अभी तक उनको याद है, मुझे भी बहुत लोग यस उसी रोल से ज्यादा याद करते हैं, बिल्कुल और बाकी मैंने इतने शक्तिमान रोल्स किए हैं। बिल्कुल भैया आपने अभी हाल ही में एक वेब सीरीज में भी काम किया स्कैम 1992 तो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा शेयर करें वो मेरे दोस्त ही हैं, हंसल मेहता हमारे साथ के ही डायरेक्टर हैं। जब हम बॉम्बे में टीवी शोज कर रहे थे, तब वो भी अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे। हंसल जी और मैंने बहुत सारे सीरियल्स में भी काम किया है उस वक्त, जी 90s में। हंसल मेहता पहले सीरियल ही बनाते थे, तो इस रोल के लिए उन्होंने याद किया, रोल अच्छा लगा जी तो काम किया। इसका एक्सपीरियंस तो इस तरह से कहें कि बहुत अच्छा था माहौल, चूंकि अप्लॉज एंटरटेनमेंट इन्वॉल्व था, सोनी इन्वॉल्व था, तो जी एटमोस्फेयर बहुत रिलैक्स था। जी एक जी तरह से फिल्म की शूटिंग की तरह शूटिंग होती थी ओके और कोई टेंशन नहीं था। आराम से सुबह से आराम से रिलैक्स करके काम शुरू होता था, जी और इट वाज लाइक अ नाइस पिकनिक एंड वर्क, ओ ये मैं वाह कह सकता हूँ। हाँ, काम पता भी नहीं चला कि हमने इतने सीन कैसे कर लिए। इट वाज वेरी रिलैक्स्ड वर्क इजी एंड दैट गोइंग वाज द बेस्ट पार्ट। या इजी गोइंग। या सो अभी जैसे आजकल वेब सीरीज का बहुत ज्यादा चलन है तो अगर उनकी हम फीचर फिल्म्स के साथ में अगर थोड़ा कंपेयर करें तो आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है आपको क्या लगता है इस बारे में एज एन एक्टर तो मैं कहूंगा बोथ आर गुड, बोथ आर बेस्ट। या दोनों में, क्योंकि वो लिमिटेड नंबर ऑफ एपिसोड्स होते हैं वेब सीरीज में, जी और जैसे मैंने अभी और 2 वेब सीरीज की हैं और रिसेंटली एक फिल्म भी की है, जी तो दोनों में काम करने का अपना एक अलग सुख है। जी वेब जी सीरीज चूंकि लिमिटेड नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं, उसमें कई जगह 6 हैं, कई जगह 8 है, और फिर वो सीजन 2 सीजन 3 ऐसा होता है, जी तो एक्टर के लिए भी एक अच्छे एटमॉस्फेयर में काम करने का मौका मिलता है। जो रेगुलर टीवी शोज हैं हमारे, जहाँ डेली सोप्स बनते हैं, वहाँ काम का प्रेशर बहुत रहता है। वहाँ वो जैसे आप अखबार की छपाई होती है ना, हर दिन एक नया अखबार का संस्करण निकालना है, ठीक जी वैसे ही टीवी शो का रहता है। हर दिन एक, जब आप ऑन एयर हो जाते हैं तो हर दिन आपको एक नया एपिसोड निकालना है, तो वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा होता तो एक्टर्स एंड ऑल टेक्नीशियंस, दे आर ऑन देयर टोज एंड इट्स वेरी टैक्सिंग। या वेब सीरीज और फिल्म्स में ऐसा नहीं है, द वर्क इज रिलैक्स्ड, और उसमें कहानी की एक जर्नी होती है, चाहे जी वेब सीरीज हो चाहे फिल्म हो। चूंकि लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स की स्टोरी है, तो हर कैरेक्टर की अपनी एक जर्नी है। टीवी शो में क्या है, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता सेम रहता है चीज आप रिपीट इतने कर रहे हैं। जो बिल्कुल शुरू के 4 एपिसोड में किया, वो 20वें एपिसोड में भी वही कर रहे हैं, लगता तो है इट इज वेरी बिल्कुल बोरिंग एंड मोनोटोनस फॉर एक्टर्स। वेरी ट्रू तो जो बेसिक थिएटर और वेब सीरीज और फिल्म्स का स्ट्रक्चर है कि एक जी शुरुआत हो और फिर थोड़ा ड्रामा बने और फिर एक अंत हो उसका, इस तरह बिल्कुल की कहानी हमेशा पसंद की जाती है। तो वेब बिल्कुल सीरीज और फिल्म्स में ऐसे ही होता है
इसीलिए हर किसी को इसमें आनंद आता है। और वेब सीरीज के बजट्स अब बहुत अच्छे हो गए हैं, जी और करोड़ों करोड़ों रुपए के बजट से कई बार फिल्म से ज्यादा खर्चा कुछ वेब सीरीज में होता है, जी तो इसलिए प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत अच्छी है वेब सीरीज की। जी तो एक एक्टर से पूछें, और अगर सीनियर एक्टर हम जैसे सीनियर से पूछें, तो हमें वेब सीरीज और फिल्म्स दोनों में काम करने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। जी जैसे कि अभी पीछे मैंने शेखर कपूर जी का एक ट्वीट भी पढ़ा था, तो उन्होंने बोला था कि इन वेब सीरीज के वजह से इतना जो टैलेंट है वो निकल कर भी आ रहा है, बहुत से नए नए ऐसा हो रहा है वहाँ पर, मींस हाँ बिल्कुल नए नए बिल्कुल एक्टर एक्ट्रेसेस आ रहे हैं, जी नए नए बिल्कुल फेसेस देखने को मिल रहे हैं हमें। या सो टोटली आपने हैदर फिल्म में आपके रोल को बहुत प्रेज किया गया, और इसकी शूटिंग कश्मीर में हुई, तो कश्मीर में जब आप गए होंगे तो आपकी बहुत सी पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई होंगी, तो वहाँ का उस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये तो है ही, इमोशनल मोमेंट था वो मेरे लिए। मैं तो 26 साल बाद कश्मीर गया, जी और जैसे ही मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला अपनी शूटिंग से, जी तो मैं उस घर गया जहां मैं पला बढ़ा हूँ। तो वो घर हमारे फादर ने 95 में ही अपने एक दोस्त फ्रेंड को ही बहुत सस्ते दामों में बेच दिया था। पहले मैंने फोन किया, फोन जी नंबर देखा मैंने, ढूंढा कहीं से, और उनसे बात की और उनको बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया, जी और मैं उस घर गया, और घर का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ था। जहां से हम लोग एंट्री करते थे, वो वहां दीवार बना दी गई थी और दूसरी जगह से एंट्री रखी थी, थोड़ा चेंज हुआ था। जी तो जब मैं जैसे ही घर गया, तो घर की औरतें, उनकी जो ओनर है, उनकी मदर थी, उनकी वाइफ थी, उनकी डॉटर थी, उन सब ने मुझे पहचाना। एक तो एक्टर के रूप में जानते ही थे, फिर उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया और मुझे पूरा घर देखने को दिया। मैंने कहा मैं पूरा घर देखना चाहता हूँ। तो जी मैं 3-4 माले का घर है वो, तो हर फ्लोर पे जाता गया और कुछ कुछ जगह पिक्चर्स और वीडियोस भी लेता गया। मेरा सबसे ज्यादा मन था 3rd फ्लोर में जाना, और वहां पे हम बच्चे ही थे जब, हम बच्चों का एक कमरा होता था, 3 भाई बहन, और हमारी पढ़ाई वहीं होती थी। तो अच्छा हम तीनों को ऐसे 3 जोन दिए गए थे, जी और मैं वो देखना चाह रहा था वो कैसा रखा है। तो लकीली वो वैसे का वैसा ही है, वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। और बड़ी सबसे अच्छी बड़ी, जी हाँ, बड़ी अच्छी बात थी, मैंने या छोड़ा है घर 82 में, और 87 से तो मैं गया ही नहीं था। वाह तो मैं वो देखना चाह रहा था। वहां पे हमारे रूम में एक शेल्फ होता था, ऐसा एक लकड़ी का ही एक सिंपल सा शेल्फ है था। तो मैं उसकी हालत देखना चाह रहा था, मेरे मन में था कि वो टूट गया होगा, सड़ गया होगा, लेकिन नहीं, वो बराबर वैसे ही था। वाह इट वॉज सो नाइस टू फील दैट, बिकॉज हम अपनी बुक्स वहां पे रखते थे, अपने नोटबुक्स वहां पे रखते थे, अखबार वहां पे रखते थे, पुराने अखबार वहां पे रखते थे। तो वो बिल्कुल देख के पूरी बचपन की यादें लौट आई। ये रहा, काफी अच्छा रहा, वो अनुभव काफी अच्छा था, लेकिन यादें हैं और क्या, बस बिल्कुल बिल्कुल जाना, वापस जाना तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल कंडीशंस खराब हो गई हैं। आई नो बिल्कुल या आपने अभी कुछ समय पहले ही शादी की है, तो इतना लंबा इंतजार, क्या भोपाली जी का ही इंतजार हो रहा था कुछ आपको? समय नहीं, 7-8 साल हो चुके हैं, कुछ समय कह सकते हैं उसको। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हीं का इंतजार था, सही अच्छा पार्टनर का बिल्कुल जो आपके बिल्कुल साथ तालमेल मिला सके, जी जिसकी
और आपकी वेवलेंथ मिले। वो एक अच्छी आर्टिस्ट हैं, कथक और भरतनाट्यम की टीचर हैं, अच्छा परफॉर्मर भी हैं, अपनी एकेडमी चलाती हैं वो, जी, तो एक तरह से टीचर ही हैं, गुरु हैं। अच्छा, जी वाह, चलिए हम कभी भूपाली जी से भी मिलना जरूर चाहेंगे आने वाले समय में। या सही तो सही मेरा अगला सवाल है कि आपने एक अद्भुत सिस्टम अभिनय योग शुरू किया है, तो क्या है ये अभिनय योग? इसके बारे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे इसके बारे में। देखिए, जैसा कि नाम अपने आप में बता रहा है, अभिनय और योग जी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक्टिंग स्किल्स एंड योगिक टेक्निक्स। मैंने आज से 10-12 साल पहले टीचिंग का काम शुरू किया। उसकी भी गहरी वजह यही थी कि मैं बॉम्बे में देखता था कि नए स्टूडेंट्स या नए एक्टर्स जो आते हैं वो अक्सर गुमराह हो जाते हैं। वो जी बॉम्बे की चकाचौंध में और यहाँ 3 महीने 4 महीने की बहुत अच्छा पैसा खर्च करके, दो दो तीन बिल्कुल तीन लाख का कोर्स करके वो वेस्ट होता है, और चूंकि सब यहाँ ग्लैमर के चक्कर में आते हैं। जी क्योंकि ऐसे तो मैं भी ग्लैमर के जरिए ही आकर्षित हुआ, लेकिन नेचर ने मुझे सही गाइड किया कि पहले थिएटर, बिल्कुल जमीन से शुरू हुआ मैं। जी तो वो जो जमीनी ट्रेनिंग है वो मिसिंग है बॉम्बे में, और जी बहुत लोग यहाँ गुमराह हो जाते हैं। तो इसी दृष्टि से मैंने ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया, एकेडमी शुरू की, और ये चाहा कि जो नए लोग यहाँ आते हैं उनको एक विधिवत सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेन करें, जी और उस ट्रेनिंग में योग के एलिमेंट्स को मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया। वाह, क्योंकि एक एक्टर के रूप में काम करते करते मैंने पाया कि एक्टिंग का वर्क भी अपने आप में एक योगिक प्रोसेस है। बिल्कुल और ठीक चूंकि मैं योग और स्पिरिचुअलिटी का भी स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर रहा हूं पिछले जी 20-25 सालों से, तो मैं अभिनय में काफी योग की चीजें देखता था। बिकॉज व्हेन एन एक्टर वर्क्स आइदर ऑन स्टेज और इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो जी उसको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। एक ही वक्त में उसको अपने बॉडी के साथ, अपने वॉइस के साथ, अपनी इमोशंस के साथ, स्क्रिप्ट को याद करते हुए, मूवमेंट याद करते हुए परफॉर्म करना बिल्कुल पड़ता है, और एक टाइम में वो बिल्कुल हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कैप्सूल होता है। जब बिल्कुल वो अगर ठीक मंच पे आपने पूरे 2 घंटे का काम कर रहा है या कैमरे के सामने अपना शॉट दे रहा है, तो ये अपने आप में बगैर योगिक ट्रेनिंग के हो नहीं सकता। वाह सारी इंद्रियां, आपका मन, बुद्धि, कंट्रोल भावनाएं एक दिशा में जा रही हैं, एक वाह दिशा में जा रही हैं। ये जो कार्य है, तो मैंने ये भी इसमें अपनी एकेडमी में शुरू किया कि जो लोग अगर प्रोफेशनल एक्टर नहीं बनना चाहते हैं तो वो भी इसको सीख सकते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू हैव लिटिल मोर कॉन्सेंट्रेशन इन देयर लाइव्स। जो लोग थोड़े से डिसएसोसिएटेड होते हैं, जिनका कॉन्सेंट्रेशन वेवर करता है, बिल्कुल हाँ कम है, या इवन डिस्ट्रैक्ट जो लोग थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब हैं, जब जी उनको भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है तो अच्छा फील होता है, एक फील गुड का सेंसेशन होता है, और अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। वाह इवन आप लाइव ऑडियंस को जब फेस करते हैं तो आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो थिएटर ट्रेनिंग अपने आप में पूरा पर्सनैलिटी ग्रूमिंग वाला एक काम है। तो अभिनय योग के जरिए मैं यही कहना चाहता हूं कि एक प्रकार का योगिक क्रिया ही है। ओके, बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत बात है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनकर, और इनफैक्ट मेरा मन कर रहा है कि मैं भी इस योग को हाँ जरूर हाँ सीखूं। बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल बिल्कुल तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आप कोई फिल्म साइन करते हैं तो रोल करने से पहले आप क्या देखते हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, पैसे भी देखते हैं, लेकिन पैसा पहला क्राइटेरिया नहीं होता, रोल है, कैरेक्टर है। बिल्कुल अभी ठीक आप जब एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, एक सीनियर आदमी के रूप में काम कर रहे हैं, जाहिर है आप वहां की उस फिल्म के हीरो हीरोइन या इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सोचते, बट पूरी कहानी में आपके कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है इस पर आपकी नजर रहती है। फिर कौन व्यक्ति डायरेक्ट कर रहा है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन सी कंपनी इसको प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है, क्या वो सच में इसको ले पाएंगे अपनी मंजिल तक, क्योंकि ये भी बहुत से सवाल रहते हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल हाँ, और फिर टाइमिंग, आपका वेरी डेट्स और टाइम भी मैच करना चाहिए। कई बार आप बिजी होते हैं और एक वक्त में एक ही काम करना, अब इस उम्र में ज्यादा वही अच्छा लगता है। बिल्कुल आप ठीक भाग भाग के एक सेट से दूसरे सेट में भाग रहे हैं, वो वो दिन अब अच्छा भी नहीं लगता। तो जी ये सारी चीजें देखी जाती हैं जब भी कोई फिल्म या वेब सीरीज आप लेते हैं।
जी सर, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे भी पल कभी आए होंगे जब नाकामयाबी मिली होगी, तो वो क्या पल थे और उन पलों में आपने खुद को कैसे संभाला? क्या मिली होंगी? नाकामयाबी। नाकामयाबी या देखिए, नाकामयाबी कामयाबी का हिस्सा ही है। नाकामयाबी के दिन कामयाबी के साथ जुड़े हुए हैं। जी ये प्रोफेशन थोड़ा सा अलग प्रोफेशन है, बिकॉज यहाँ पे आप 100% एम्प्लॉयड ऑल द टाइम नहीं है, या बिल्कुल यूं कहें कि आप 100% एम्प्लॉयड हैं एक जी तरह से। आप जी अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। नाकामयाबी के दिन आपके वो दिन गिने जा सकते हैं जब आप लंबे समय के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और आपके पास काम की कमी है और आप चाहते हैं कि काम करें लेकिन काम उस तरह से अवेलेबल नहीं है। जी तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप, जैसे मैंने एकेडमी शुरू इसी वजह से भी की थी कि जो मेरे खाली वक्त है मैं उस वक्त सिखाते सिखाते खुद भी सीखूं, क्योंकि जब आदमी सिखाता है तो खुद भी सीखता है। तो सीखने का काम आपका चलते रहना चाहिए, जी बिल्कुल और उसके अलावा आप किसी दूसरे क्राफ्ट को भी डेवलप कर सकते हैं, दूसरे स्किल को। जैसे मैंने राइटिंग का स्किल डेवलप किया, जी मैं स्टूडेंट्स के लिए जब काम करता हूँ तो फिर नए नए सीन बनाना मेरा एक अभ्यास हो गया। तो मैं खाली टाइम में स्टूडेंट एक्सरसाइजेस के लिए नए मोनोलॉग्स और नए सीन लिखता रहता हूँ, खुद भी उसको परफॉर्म करता हूँ जी और क्लासेस में फिर उसको लेके चलता हूँ। उसके अलावा जैसे मैंने एक किताब भी लिखी है, तो ये भी आप खाली टाइम में इस तरह से उसका सदुपयोग कर सकते हैं, करते हैं। और आने बिल्कुल वाले समय पे अभिनय योग पे भी मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ चीजें बनी हैं, कुछ चीजें और बनानी है। जी तो नाकामयाबी को आप उस तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते। और जहां तक मेरी अपनी दृष्टि है, मैं कामयाबी को लेके बहुत परेशान बहुत समय से रहा नहीं हूँ। शुरू के दौर में जब आप एकदम यंग थे और पैसे कमाना और थोड़ा सक्सेस गेन करना प्रायोरिटी था, तब बेशक एक प्रेशर था, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रेशर है नहीं। मैं बहुत जी रिलैक्स वे में काम करता हूँ और काम करना चाहता हूँ। मेरे जी पास काम करने को काफी है, जी मतलब बिजी रहने के लिए काफी चीजें हैं मेरे पास। जी सो उस तरह से मुझे नाकामयाबी या इस तरह की चीजें मुझे परेशान नहीं करती। वाह, ये तो बहुत से लोग इस बात से बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपने इस बात को भी बहुत हद तक क्लियर कर दिया कि सही मायने में आपके लिए सफलता का क्या मतलब है। इस दृष्टि में मैं जो नए एक्टर्स हैं, यंग एक्टर्स हैं, उनको ये सजेस्ट करूंगा कि खाली टाइम में अगर आप सिर्फ फिल्म से जुड़े हैं, वेब सीरीज से जुड़े हैं, तो इस इंडस्ट्री या इस क्राफ्ट के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में थोड़ा थोड़ा और टाइम दो और उसको समझो। जैसे राइटिंग ही है, जैसे डायरेक्शन है, जैसे कैमरा वर्क है, एडिटिंग है। आप खाली टाइम में किसी एडिटर के साथ बैठिए और देखिए वो कैसे फिल्म या वेब सीरीज एडिट करता है, तो थोड़ा सीखिए, है ना। उसी तरह राइटिंग या राइटर के साथ बैठिए, सीखिए। क्योंकि एक्टर का काम सिर्फ एक्टिंग का नहीं है, उसको हर डिपार्टमेंट की समझ होनी चाहिए और हर बिल्कुल डिपार्टमेंट से वो बेस्ट लेके अपना काम अच्छे से करे। बिल्कुल और अगर लिख भी सकता है, बना भी सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है उन्हें हर चीज थोड़ा जल्दी चाहिए, जो भी मिले जल्दी चाहिए। सफलता मिले जल्दी मिल जाए। वो जैसे है ना कि कल भर्ती आज चक्रवर्ती, सेना में जैसे बोलते हैं, तो इट्स लाइक दैट। तो उनको आप क्या एक छोटा सा एक अगर कोई मैसेज दे सकें कि सफलता के बारे में कि या क्योंकि मैं तो टीचिंग करता ही हूँ और मेरे आसपास स्टूडेंट्स तो आते ही हैं। जो लोग प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहते हैं और रोजी रोटी कमाना चाहते हैं और लंबे समय तक रोजी रोटी कमाना चाहते हैं इस फील्ड से, जी उन्हें पेशेंस रखना ही होगा और बिल्कुल शुरू के कुछ साल सीखने में, सिंसियरली सीखने में देना पड़ेगा। जी बिल्कुल वो ठीक आप फ्रीलांसर होते हुए भी दे सकते हैं या तो फिर बिल्कुल किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स करना पड़ेगा। आई मीन टाइम आपको 2 से 4 साल, 5 साल देना पड़ेगा और फिर काम करते करते भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल पहली जी बात यह है। और जी दूसरी बात है कि एक्टर्स की, खासकर बात बता रहा हूं कि ये जो मैड रेस फॉर स्टारडम है, ये जी इससे थोड़ा मुक्त होना चाहिए। ये एक गलत प्रेशर है, गलत ड्रीम है, बिकॉज जी ये किसी के हाथ में नहीं है, ये जी कोई प्लानिंग के साथ कर नहीं सकता। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी विद्या को ही, अपने सब्जेक्ट में ही महारत हासिल करते जाओ जी और प्रोफेशनल एक्टर यानी आपकी रोजी रोटी इसी से होनी चाहिए, ऐसा अपने मन में संकल्प लेते रहो
जो भी आपकी महीने की रिक्वायरमेंट है सर्वाइवल की, स्टार्ट विद सर्वाइवल अमाउंट। आपका जो सर्वाइवल मनी है वो आप इस फील्ड से कमा सकें, चाहे 10 दिन की शूटिंग से कमाएं, 4 दिन से कमाएं या 20 दिन से कमाएं, इट्स अप टू यू। आप एक्टिंग से कमाएं, आप डबिंग से कमाएं, आप वॉइस ओवर से कमाएं, तरह तरह सारे डायमेंशन को एक्सप्लोर कीजिए और मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए अपने टैलेंट का, और इसी काम से पैसे कमाइए, और धीरे धीरे फिर जो थोड़ी बहुत नेटवर्किंग और मार्केटिंग होती है वो करते रहें और इवॉल्व भी होते रहें और बेटर रोल्स, और फिर थोड़ा सा अपना पैसा भी बढ़ाते रहें चीजों के साथ। ग्रेजुअल ग्रोथ को टारगेट बनाएं, जैसे हर इंडस्ट्री में होता है, जैसे मैनेजमेंट में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, रातों रात ही कोई बड़ा इंजीनियर बनता है ऐसा नहीं। तो रातों रात अगर कुछ होना है आपके साथ तो वो तो ऊपर वाले का ग्रेस है, वो हो जाना है तो होगा, वो आप सिर्फ उसी चीज के पीछे भागेंगे तो वो नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो आप उसको पचा नहीं पाएंगे, आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द वर्क दैट मैटर्स। आप एक बहुत अच्छे स्टार के रूप में जाने भी जाएं लेकिन आपको कोई एक्टर के रूप में नहीं मानेगा तो फायदा क्या उसका, इट्स अ फॉल्स काइंड ऑफ, हाँ इट्स अ फॉल्स काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी। एक्टर में भी बहुत फर्क है, हाँ, और आप एक एक्टर के रूप में जब जीते हैं एक खास हुनर के साथ तो आपके अंदर अलग ही एक कॉन्फिडेंस भी है और एक खुशी भी होती है, बिल्कुल एक कंटेंट फीलिंग होती है, कंटेंटमेंट का एक फील आता है। ये हर हुनर के साथ है, जिसके पास जो भी हुनर है वो उससे जो रोजी रोटी कमाता है उसके पास उसका एक कॉन्फिडेंस होता है जी, बस वही बात है। तो इसको ऐसे ही लेना चाहिए, ये जो मार्केट में इतना फिल्मी ग्लैमर की तरफ जो बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इसको आप समझ जाएं कि ये बस मार्केट की रिक्वायरमेंट है, ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुछ नामों को पॉपुलर करना पड़ता है टू मेक दम ब्रांड सो दैट इन्वेस्टर्स कम, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, अदरवाइज द पीपल हु हैव मनी दे डोंट कम बिकॉज दे वॉन्ट देयर मनी टू गेट बैक। सो कुछ लोगों को स्टार बनाया जाता है, वो बनाए ही जाते हैं, अदरवाइज किसी में अपने दम पे इतना टैलेंट नहीं है कि वो स्टार बन सके, वो इन्वेस्टर को ला सके, वो फिल्म या वेब सीरीज को चला सके, बिकॉज इट इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट। एक्टर क्या करेगा अगर राइटर ठीक नहीं लिखा, राइटर ठीक लिखा भी हो डायरेक्टर गलत डायरेक्ट करेगा वो एक्टर क्या करेगा, एडिटर गलत एडिट करेगा तो क्या काम होगा, कैमरामैन ठीक से शूट नहीं करेगा तो रिजल्ट क्या होगा। सी एक्टर्स वर्क इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी पीपल, सो देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग अननेसेसरी ईगो दैट आई एम एन एक्टर, वी आर पार्ट ऑफ अ होल टीम, बैड लाइटिंग एंड यू आर गॉन, बैड राइटिंग एंड यू आर गॉन, एंड रॉन्ग शॉट्स एडिटेड एंड द होल सीन लुक्स बैड। तो हाउ मच डिपेंडेंट इज अ फिल्म एक्टर ऑन अदर पीपल, स्टेज का एक्टर तो फिर भी कम लोगों पे निर्भर है, वो लाइट मैन पे निर्भर है और टेक्स्ट पे निर्भर है, अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए और डेफिनेटली डायरेक्टर और गाइड करने वाला जो डायरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए जी। फिर दूसरी चीजें हैं वहां पे, आर्ट डायरेक्शन भी है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी है, लाइटिंग भी है, कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी है, ये सब तो है ही, लेकिन एक्टर स्टेज पर ज्यादा कमांडिंग पोजीशन में है बिकॉज वो डायरेक्टली डील कर रहा है ऑडियंस के साथ। यहाँ पे तो डायरेक्ट डील नहीं है, यहाँ तो शूटिंग के बाद कितने लोग आते हैं उस काम पे अपनी मुहर लगाते हैं और उस प्रोडक्ट को सुंदर करते हैं। सो टुडे देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एवरीबॉडी एंड वी ऑल नो हाउ फिल्म्स आर मेड। आपकी कंपनी अमात्य फिल्म्स अभी छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में बना रही है तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी मेहनत लगती है दूसरे लोगों की उस काम पे, उस काम को मंजिल तक पहुंचाने में। तो एक्टर क्यों खामा खा घमंड करे, भाई वो एक पूरी मशीन का एक छोटा सा हिस्सा है, बस वही उसका हिस्सा रहना चाहिए, बाकी तो एक ड्रामा है, एक खेल है, उसमें पॉपुलर हो गए, पब्लिक पसंद कर रही है आपको, अच्छी बात है, उससे खुश होइए, बट अपनी जगह क्या है ये एक एक्टर को जरूर समझना चाहिए। तो वो स्टार बनने से नहीं समझा जा सकता, वो आर्टिस्ट बनने से ही समझा जाता है। बिल्कुल ठीक, मुझे तो लगता है एक हम्बलनेस जो है वो किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की एक ब्यूटी को एनहेंस ही करे, अगर कोई हम्बल होता है तो अपने प्रोफेशन को लेकर। हम्बल होना ही पड़ेगा बिकॉज आप जो भी कर रहे हैं उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, पहली बात तो यही, और दूसरा ये आपके पास जो हुनर है आपको ईश्वर ने कुछ दिया है तो उधर भी आपको थोड़ा सा झुकना ही पड़ेगा, तो हम्बल तो होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आज आपने इतनी
आज आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सबको सुनने को मिली हैं। आई होप सभी के बहुत हेल्प करेंगी ये बातें आपकी। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और भविष्य में भी हम आपसे यूं ही कुछ ना कुछ पाते रहे, कुछ अच्छा सुनने को मिलता रहे आपसे। इसी के साथ में मैं आपसे इजाजत लेती जी हूँ। जी थैंक या शुक्रिया, यू सो शुक्रिया, मच, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच, मच, माय बेस्ट थैंक यू। विशेस। कर आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। सच में ललित जी की बातों को सुनकर, उनके जीवन से रूबरू होकर मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। आप भी अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। उन्हें लाइक और शेयर करके अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। दोस्तों, इसी के साथ आपकी दोस्त आप सभी से इजाजत लेना चाहती है। फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ कुछ अनकही कहानियां सुनने के लिए आपके अपने शो शख्स से शख्सियत तक में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।